भारत में 6 लाख सहकारी समितियां 25 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के जरिए कई क्षेत्रों में सफलता का परचम लहरा रही हैं, लेकिन उनकी खामियां भी चिंता की वजह हैं। कई इलाकों में कुछ खास गुटों ने सहकारी क्षेत्र पर कब्जा जमा रखा है। उर्वरक क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें चीन समेत 16 देशों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ के पदाधिकारी शामिल हैं। इसमें देश में सहकारिता आंदोलन की खूबियां और खामियों के साथ भावी चुनौतियों पर भी खुलकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास में अभी काफी काम किया जाना बाकी है। Despite serving the people for decades, cooperatives face number of challenges like lack of human resource development, education and training, and inadequate resources for modernization. These require focus and well thought out responses. कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि भारत में सहकारिता क्षेत्र की पकड़ 97% गांवों तक है। केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र के विकास की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारिता को बहुत ताकत दी गई है, फिर भी इसमें कई तरह की कमजोरियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। That there is no organization better than cooperative which has potential to serve the interests of the weaker sector of the society. Cooperative have unique relationship to their community. इफ्को के प्रबंध निदेशक और सहकारिता क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय हस्ती डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि कई क्षेत्रों में सहकारिता का विकास संभव है और इसी से ग्रामीण गरीबों का कल्याण हो सकता है। वहीं राजस्थान के सहकारिता आंदोलन से 5 दशक से जुड़े रतनलाल का कहना था कि सहकारी क्षेत्र अनाज की बर्बादी रोक सकता है। एक कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वहाँ कैपिटल कैसे जनरेट की जाए। प्राइवेट सेक्टर है वो मार्केट से कैपिटल ले लेता है और पब्लिक सेक्टर है वो सरकार से ले लेता है। जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको खुद अपनी कैपिटल जनरेट करनी पड़ती है। किसान को आज जैसे समर्थन मूल्य पर अनाज वगैरह खरीदा जा रहा है, ये क्यों नहीं ग्राम सेवा सहकारी समिति गाँव में खरीदे और गवर्नमेंट की एक एजेंसी के रूप में काम करके इनको आर्थिक दृष्टि से और मजबूत बनाई जा सकती है, एक अच्छा काम हो सकता है। सम्मेलन में सहकारी क्षेत्र के सामने गंभीर चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। सहकारिता क्षेत्र की जानी मानी हस्ती शिवाजी राव पाटिल ने कहा कि इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है, जबकि जीएन सक्सेना का मानना था कि मानव संसाधन संबंधी खामी दूर किए बिना सलीके से काम नहीं हो सकता। कोऑपरेटिव्स एंटरप्राइजेस एनकरेज एंड सपोर्टेड बाय प्रॉपर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विल डू ए ग्रेट जॉब। फॉर दिस पर्पस न्यू कोऑपरेटिव इफेक्टिव enterprises will have to be built on the line of Amul, NDDB, Mother Dairy, IFCO, FIFCO. अभी जो हमारे members हैं उनको अपने जो rights हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। अब जब चूंकि ये लोगों का आंदोलन है और ये cooperatives कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती हैं कि वो खुद तो धनाढ्य हो जाते हैं लेकिन cooperative सुखी रह जाती हैं, तो अगर मेंबर्स को ये ध्यान होगा कि हम हमारे राइट्स क्या हैं, हम कैसे इसको उसका हम कंट्रोल करेंगे इसको और कैसे हम राय देंगे इसके अंदर, कैसे इसकी बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी ये कॉर्पोरेट्स आगे बढ़ सकती हैं। सहकारिता क्षेत्र के ज़्यादातर विशेषज्ञों के मुताबिक इस क्षेत्र में मौजूदा कमियों को ज़मीनी स्तर पर दूर करने की ज़रूरत है। केंद्रीय स्तर पर मजबूत कानून बने हैं लेकिन राज्य सरकारों को सही भावना से काम करने की ज़रूरत है। साथ ही और अधिक पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन से सहकारिता क्षेत्र का कायाकल्प करना चाहिए। भारत में तमाम उतार चढ़ाओं के बीच सहकारिता आंदोलन एक निर्णायक मुकाम पर पहुंच चुका है। इसके बावजूद उसके समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं और राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उन चुनौतियों की ओर इशारा भी किया है। उससे बगैर निजात पाए सहकारिता आंदोलन को बहुत मजबूत नहीं किया जा सकता। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा TV, दिल्ली।